की सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज जनाशीर्वाद यात्रा के दौरान आज अर्की विधानसभा क्षेत्र में दाखिल हुए, जहां अर्की के प्रवेश द्वार गलोब के साथ लगती पंचायत पलानिया में आयोजित जनसभा में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मंच पर पहुंचने पर उन्हें शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने जनसभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं के जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में उन्हें आशीर्वाद देने आए जनता का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद उनका अपने प्रदेश का यह पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के कारण वे शीघ्र नहीं आ सके। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें जो ये सम्मान मिला है, ये उनका नहीं पूरे प्रदेश का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल की समस्त जनता को विश्वास दिलाते हैं कि वे उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। उन्होंने भी इन उपचुनावों में भाजपा के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जारी जनकल्याण योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की कैबिनेट में मोदी जी ने युवा, पिछड़े वर्ग व महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संसद नहीं चलने दी, जिस कारण इन प्रतिनिधियों का परिचय नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार धर्मशाला में उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम बनाकर हिमाचल के विश्व में मान बढ़ाया है, उसी प्रकार वे हिमाचल की संस्कृति व कला को विश्व के मानचित्र पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि जो मंत्रालय सरदार पटेल जैसी महान विभूति के पास रहा है, वही मंत्रालय हिमाचल के बेटे को मिला है। प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अनुराग का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के लिए बड़े सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि एक ओर हिमाचल का एक सपूत केंद्र में मंत्री है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल का एक और सपूत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से विधानसभा में भेजने का आग्रह किया। इसके बाद दाड़लाघाट व अर्की निर्वाचन क्षेत्र की सीमा भराड़ी घाट में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल व पूर्व विधायक गोविंद शर्मा सहित अनेकों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खुशी भी है और मैं आभारी हूँ माननीय मोदी जी का, जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश के मान सम्मान को बढ़ाया और अनुराग ठाकुर जी को केंद्रीय मंत्री के रूप में विराजमान किया। ये सौभाग्य की बात है। आज जहां अनुराग ठाकुर जी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे, वहीं पर हिमाचल के बेटे श्री जगत प्रकाश नड्डा जी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सबके लिए यह भी बड़े गर्व की बात है, बहुत क्योंकि अन्न नहीं मिल पाया था, लेकिन इस महामारी के दौरान मोदी जी ने 15 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया। मेरे भाई और बहनों, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसके साथ हमारी सरकार ने 7 साल तक काम किया। लेकिन इस बार आजादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के नाम पर पूरा देश सारा साल अगले 2 साल तक इसको कार्यक्रमों को करेंगे। जन भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन खड़ा करेंगे, देश के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव लाने का काम करेंगे। और इसीलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। को पद नहीं मिला है, ये पूरे हिमाचल को मान सम्मान मोदी सरकार ने दिया। और मैं अपनी बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपने युवा साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये जो मोदी जी ने हिमाचल को मान सम्मान दिया है,
इसको कम नहीं होने देंगे, इसको और बढ़ाने का ही काम करेंगे मेरे भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने सारे काम छोड़कर अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देने आए हैं, तो मैं यही एक भाई और बेटे होने के नाते आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो आप जो हिमाचल की आकांक्षाएं हैं, उन सब पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। इस बात हल्की से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट।